तो हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप्स सभी ठीक होंगे। आप लोगों का मोस्ट वेलकम मम्मा का यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मालती जी का ब्लॉग्स। हाय दोस्तों, कैसे हो? आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? लहसुन छील रही हूँ। क्या बनेगा आज? दाल वाला बनेगा, दुल्हन दल पिट्ठी। ओके, किसका फेवरेट है ये? मेरी छोटी वाली की। छोटी वाली कौन? बेटी है कि दुश्मन है, क्या है वो? पड़ोसी है। मुंह उठा के आ जाती है खाने के लिए, दल पिट्ठी यहीं पर ही है ना। लाइट पड़ रहा है? मेरे को नहीं पता ना, मेरे को नहीं पड़ रहा। तो सो गाइस, आज हमारे घर बनने जा रहा है दल पिट्ठी, जो कि मेरी छोटी बहन का फेवरेट है। और ये बोलकर मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं महसूस हो रही है। मेरी छोटी, मेरी प्यारी बहन। लहसुन छील रहे हैं, अब आटा सान के फिर बनाएंगे। दाल भी भूज ली, रहर की दाल। मुँह नहीं बोलूंगी तो आगे नहीं बढ़ेगी? रहर के दाल बटे तो पड़ेगा, क्या बोलेगे भाई? आगे कौन बोलेगा आटा गूंदने वगैरह ये सब? आटा गुनाई तो बोलेगा ना। वाह, ऐसे में तुम्हारी वीडियो लंबी होएगी। रहे हैं अरे गर्मी बिना लागत है कि हमारा लागत है? हीटर के आगे बैठी हुई है और बोल रहे कि गर्मी लग रहा है, अजीब ही है। ना यार, ज्यादा लागत है गर्मी। तो नहाई होगी ना दो दो फिर? साल लेके होगी। 2 साल कहाँ है? दो साल लगे। हाँ, तो फिर गर्मी नहीं लगेगी। वाह, और दूसरा साल भी कितना मस्त है, छुपा के रखा हुआ है मैचिंग का। कपड़े हैं, बारिश हो रही है बाहर। नहीं रहने दो पापा को। और ना बुढ़वा ही मैं आता सीधी जाए दे। अब बटालियन के भेजो कपड़ा। कचरा कचरा कर दीजिए उतना कसम। गाइज, यहाँ पर मेरी मम्मी आटा गूंद रही है, लगभग हो ही चुका है। आज हमारे घर दल पिट्ठी बनेगा, तो दल पिट्ठी के लिए ये आटा गूंदा जा रहा है इतनी सी। सो गाइज, आटा गूंद चुका है, अब मम्मी जा रही है उनको उसको बेल कर। तो ये हमारा दाल है और हमने इतने क्वांटिटी में इसको लिया है, ठीक है। एंड इसको पहले थोड़ा सा कढ़ाई में ना भून लिया हमने। देखो दोस्तों, पाव की तरह बना रही हूँ। लहसुन, बहुत नमक है, नमक, हल्दी, तेल डाल। तो गाइस, पहले आटे को लोया को लेना है एंड उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मोटे में ही रोटी की तरह बेलना है। एंड जब बेल जाए तो उसको कटोरी, किसी भी छोटे मुंह वाले कटोरी को लेकर उससे कटर के थ्रू काट के एंड उसको ऐसे चारों कोनों को तो जोड़ के, रखना चाहिए, पतला होने के बाद भूल जाता है दाल। कोनों को जोड़ के देन फिर बन गया हमारा दाल की दुल्हन। तो अब ऐसे ही करते करते मम्मी सभी आटों का बनाएंगे ऐसे ही। गाइस, देखते ही देखते इतनी बन गई, यानी बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई रंगोली बनाई हो। एंड इसको दुल्हन, दाल के दुल्हन क्यों बोलते हैं अम्मी? मैं बताती हूँ, क्योंकि दुल्हन का ना लहंगा ऐसे ही फैला हुआ होता है ना, इसलिए दुल्हन सुंदर लगती है ना इसलिए। और ये भी सुंदर है ना। मेरा और ये कितना शांत हो रखा है। कहाँ हो गया? और चोट लगा लिया क्या? चोट लगा लिया तूने? जल्दी ठीक कर ले उसको। सो गाइस, अभी हमारा दाल दुल्हन बन चुका है। अब मम्मी बना रही है इस शेप का दाल पिट्ठी, ठीक है। दाल ढोकला, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मम्मी? दाल ढोकला।
सो गाइस, सभी कुछ तैयार हो जाने के बाद में अब हमारे दल पिट्ठी को पकाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मम्मी ने पहले पतीला लिया, आधा दाल हम उसमें ऐड कर रहे हैं पतीले में, और आधा हम खाएंगे चावल के साथ। सो गाइस, ये दाल नॉर्मली जो बनता है ना वैसे ही पहले बनाना है, ठीक है? दाल लेना है और फिर उस कौन सा दाल मम्मी? अरहर की दाल लेनी है, उसमें पानी, तेल, लहसुन, नमक जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं पहले वैसे बना लेना है। उसके बाद में पतीले में इसको डाल के बाद में उस अपने दल पिट्ठी या दुल्हन दाल की दुल्हन इसमें डाल के और फिर उसके बाद कुछ देर तक इसको उबालेंगे। तो मम्मा ने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया था तो उसी के हिसाब से इसमें नमक एंड हल्दी भी डाला है ताकि उसका कलर डाउन ना होए। वहां पर है हमारे दल पिट्ठी, ठीक है? इसमें मम्मी ने दो शेप में बनाया है, एक दुल्हन के शेप में और एक ये लंबे लंबे से दूल्हे के शेप में। अब बोलेगी तो इसको अब उबलने देंगे। सो गाइस, यहाँ पर ये उबाल आ जाने के बाद में मेरी मम्मी क्या नाम था इसका दाल दुल्हन को इसमें डाल रहे हैं और फिर उसके बाद में अच्छे से उसको पकने देंगे, ठीक है? एंड देन उसके बाद कुछ नहीं है, फिर जीरे का इसमें तड़का लगेगा बस। बहुत ही इजी है एंड बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके साथ आप चोखा, चटनी कुछ भी लेकर खा सकते हैं, ठीक है? तो एक एक करके मेरी मम्मी सारा का सारा डाल देंगे एंड उसको अच्छे से पकाना है, बिल्कुल अच्छे से। सो गाइस, बहुत ही धुआं धुआं हो गया है घर में क्योंकि आग जला रखा है हमने सेंकने के लिए एंड उसी के साथ में हमारा दल पिट्ठी भी बनकर तैयार हो चुका है। तो मेरी मम्मी ने चूल्हे पर कलछी को रखा हुआ है एंड उसमें जीरा एंड सूखा मिर्च ऐड कर रहे हैं तड़के के लिए और उसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे सरसों का तेल, ठीक है? थोड़ा सा इसको अच्छे से चटक जाने के बाद में जो हमने अपना दल पिट्ठा बनाया हुआ है उसमें डाल देंगे। उसी के साथ में हमारा घर किचन बहुत ही ज्यादा मैसी सा हो रखा है, बट कोई नहीं, खाना बनने के टाइम पे थोड़ा बहुत गिरता उड़ता तो रहता ही है। ये सब हो जाने के बाद में अच्छे से इसकी साफ सफाई कर देंगे, फिर खा पी के आराम से हम अपना गुड नाइट कर लेंगे। मैंने इसको खोलना है एंड इसको बंद कर देना जिससे उसका जो भी खुशबू एंड टेस्ट होएगा ना वो उसके अंदर ही रह जाएगा। देन अब इसको अच्छे से मिलाना है। यम्मी, मस्त लग रहा है।